दोस्तों, क्या आपको पता है नंदी भगवान शिव जी के वाहन कब और कैसे बने और किन परिस्थितियों में नंदी जी शिव जी के सबसे परम प्रिय हो गए? नहीं पता, तो चलिए मैं बताता हूँ। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार नंदी भगवान को शिव जी का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है, और हिंदू शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव जी के वाहन है नंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राइड विद स्काई में। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक शिव पुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव का वाहन नंदी उनके सबसे प्रिय होने के साथ साथ सभी गणों के प्रमुख भी हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी भगवान शिव के अवतार हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण सत्ररुद्र संहिता में किया गया है। सत्ररुद्र संहिता में लिखी कथा के अनुसार पौराणिक काल में श्रीलाद नामक मुनि हुआ करते थे। बुढ़ापा आने के कारण उनको भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तब एक दिन उन्होंने अपने पूर्वजों यानी पितरों के आदेश पर आयोनीज मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की कठोर तप की। देवराज इंद्र को कठोर तप करके प्रसन्न किया। वरदान स्वरूप उन्होंने ऐसा पुत्र मांगा जिसको मृत्यु छू भी ना सके, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र देने में असमर्थ बताकर श्रीलाद मुनि को देवों के देव महादेव की तपस्या करने के लिए कहा। उसके बाद श्रीलाद मुनि देवराज इंद्र के आदेश के अनुसार महादेव की तपस्या करने लगे। काफ़ी समय बाद उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां प्रकट हुए और श्रीलाद मुनि से वर मांगने को कहा। तो श्रीलाद मुनि भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जो अजन्मा हो और जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर मुनि से बोले, हे मुनि, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा आयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर श्रीलाद मुनि भी खुशी खुशी अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद एक दिन श्रीलाद मुनि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड में से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का शरीर की प्रभा का युगांतकालीन अग्नि के समान थी। यह देखकर श्रीलाद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर वे बालक को लेकर शीघ्र ही अपने पाठशाला को चल दिए। श्रीलाद मुनि ने उस बालक का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। उसके बाद 5 वर्ष में नंदी को संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। एक दिन की बात है, जब बालक 7 वर्ष का हुआ तो शिव जी की आज्ञा से मित और वरुण नाम के मुनि उस बालक को देखने आए। उन्होंने श्रीलाद मुनि को बताया कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु है, जिसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। उन मुनियों के मुख से ऐसी बात सुनकर श्रीलाद मुनि नंदी को सीने से लगा के फूट फूट के रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वे दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। तब श्रीलाद मुनि ने नंदी से कहा कि बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? पिता के मुख से ऐसी बात सुनके नंदी हंसने लगे और फिर वो अपने पिता से बोले, पिताश्री, आपने मुझे भगवान से वरदान स्वरूप पाया है, इसलिए चिंता ना करें, वही मेरी रक्षा करेंगे। फिर अगले दिन नंदी पिता से आज्ञा लेके भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए भुवन नदी के तट पर चले गए और वहाँ पहुँचकर नदी के किनारे आसन पर बैठ के शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या देख भगवान शिव जी कुछ समय बाद उनके सामने प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने शिव जी को देखा तो वो भूल ही गए कि वे अपनी लंबी आयु के लिए तप कर रहे थे। भगवान शिव ने नंदी से वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने वरदान स्वरूप ताम्र शिव जी का साथ मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वे हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। तब भगवान शिव नंदी से बोले, हे शीलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा मेरे प्रियजन हो जाओगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा, तुम हमेशा मेरे ही साथ रहोगे। तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। शिव जी ने उमा से कहा, हे देवी,
मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में आपकी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान करते हैं क्योंकि परमेश्वर ये शीला नंदन मेरे लिए पुत्र की तरह है, इसलिए नाथ ये मुझे भी अति प्रिय है। शिव जी ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर कहा, गणनायकों तुम सब मेरी आज्ञा का पालन करो, यह मेरे प्रिय पुत्र नंदेश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलके इसका गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदेश्वर तुम लोग का स्वामी होगा। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देके उन्हें अपने वाहन बनाया और गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वे हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए उनके भक्तों की आवाज़ उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, शिव पुराण की माने तो नंदी के कान में की गई प्रार्थना नंदी की अपने स्वामी से प्रार्थना बन जाती है और वो शिव जी को इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। नंदी की प्रार्थना शिव जी कभी अनसुनी नहीं करते, इसलिए वे जल्दी भी पूरी हो जाती हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस सावन के महीने में मैं आपको कानपुर के कुछ ऐतिहासिक शिव जी के मंदिर के दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।